स्टार्ट। नमस्ते, मैं पिंकल भाई किशोर भाई भट्ट। आज 19 दिसंबर 2021 रविवार, हर रविवार शाम को 5 से 7 बजे अमर जवान शहीद स्मारक समिति ABDS के अमृत वचनामृत द्विशताब्दी सत्संग कुटीर भगवान स्वामीनारायण गढ़ड़ा। गुजरात में अमृत वचनामृत की 200 साल 2 शताब्दी हुई तो ABDS के सत्संग कुटीर है बजरंग वाटिका मदर स्कूल के पीछे, इस्कॉन गोत्री रोड, वडोदरा, गरवी, गुजरात। आज हमारे साथ उपस्थित है रतिलाल भाई पंचाल, साथ में भाग्यश्री मैडम, महेश भाई मलार, सौरभ भाई डेके, मम्मी डैडी, मिस्टर एंड मिसिस डे, वहीद अंकल, मणिकाका, सुनील भाई। मैं पिंकल भाई किशोर भाई भट्ट, प्रमुख संस्थापक मानव धर्म परिवार ह्यूमिनिटी रिलीजन वर्ल्ड पीस मिशन, श्री कांतिलाल लाभशंकर भट्ट चैरिटेबल ट्रस्ट 100 ईयर्स ऑफ सेंटेनरी सेलिब्रेशन, आपका स्वागत करता हूँ। और सुबह में मुझे विषय बताया गया कि तुलसी, तो तुलसी पूजन के विषय में हमको कुछ बताना चाहते हैं। उसके बाद जो हमारे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत सर, जिनका चॉपर क्रैश हुआ है, तो रावत सर, उनके धर्मपत्नी और 12 जवान जो शहीद हुए, परसों वरुण सिंह ग्रुप कैप्टन वो भी शहीद हो गए, तो 14 इंडियन आर्मी मार्टियर्स हमारे डिफेंस के जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि रहेगी। मैं रतिलाल भाई पंचाल से विनती करता हूँ कि तुलसी जो हमारी पवित्र वनस्पति है, तुलसी माता कहते हैं, तुलसी का पूजन करते, मेरे घर पे तुलसी क्यारा है जो हमेशा ऑक्सीजन देती है, तो तुलसी के बारे में आप वक्तव्य दीजिए। और आपसे विनती है कि बाद में राष्ट्रगीत के साथ हम CDS बिपिन रावत सर और सबको श्रद्धांजलि देंगे, तो आप सब उपस्थित रहना। वैद्य दादा का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने 501 अनुदान दिया है, उनको रिसीप्ट दी है। तो आप सबसे विनती है कि अगर कोई दाता है तो आप अवश्य हमें बताना। सुकन्नो सवा पची यथाशक्ति अनुदान स्वीकारी ने समाज सेवा में लगावीशू। और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि 11 से 20 करुणा अभियान आएगा पंखी बचाओ उत्तराण के दरमियान, जिसमें हम पंखी बचाएंगे जो घायल होते हैं। गुजरात स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट देगा, रजिस्ट्रेशन भी होगा, तो आप सब पार्टिसिपेट करिए। 26 जनवरी रिपब्लिक डे की शुभेच्छा। रतिलाल भाई को विनंती के जरा अपना विषय बताएं प्लीज। हिंदी में बोलूं? हाँ। नमस्ते, मैं योग विधान सेवा समिति बिला आश्रम से संत श्री आसाराम जी बापू का मैं शिष्य बोल रहा हूँ आपको। तुलसी पूजन 25 दिसंबर, उसी दिन हमारा गुरु जी ने, आपको सबको पता है कि 25 दिसंबर बड़ौदा में पूरा मतलब भारत भर में अपने वाले हिंदू लोग रिंग करके 7 दिन तक वही कर रहे, मतलब अपनी संस्कृति का मतलब नाश ही हो रहा है। तो हमारा गुरुजी ने सोचा कि ये युवा धन को कैसे संभाले, तो उसी दिन हमारे गुरुदेव ने 25 दिसंबर से मतलब 31 तारीख तक तुलसी पूजन दिवस मनाओ और तुलसी का महिमा बताओ। तुलसी का छोड़ तो अपन घर पे रखते हैं, लेकिन इसका महिमा जानते नहीं है। अभी जब तक महिमा नहीं जानेगा तो कोई अपन ऐसे समझते कि चलो भाई तुलसी का क्या रहा है, उसको पानी डालो। तुलसी ऐसी पवित्र चीज वस्तु है जो इसे अपने संस्कृति में तुलसी को माता बोलते हैं। अपन माता किसको बोलते हैं? अपन कि जो अपना भरण पोषण करती है, तुलसी माता अपना भरण पोषण करती है, अपना इनका नहीं करता, ये अपनी भरण पोषण करती है। तुलसी एक छोड़ नहीं है, एक औषधि है, इससे 800 प्रकार के रोग मिटते हैं, 800 प्रकार के रोग मिटते हैं। इसमें से कैंसर, मलेरिया, कोलेस्ट्रॉल ऐसे बहुत सारे रोग मिटते हैं। अपन बड़े छोटे सब सेवन करते हैं तुलसी का। एक तो बच्चा अपना, अभी इस माहौल में बच्चा बहुत याद शक्ति कमजोर रहती है, तो उसी में बताया है कि तुलसी का 5-7 पत्ता हर रोज बच्चे को पानी धुलाकर उसको खिलाए तो बच्चे की याद शक्ति, स्मरण शक्ति बहुत बढ़ती है। और बच्चे को कफ, सर्दी, जुकाम, ताव, बुखार जैसी कोई चीज नहीं आती रोज सेवन से, ये बहुत बड़ा तुलसी का फायदा है। और दूसरा, तुलसी अपने घर में रहते थे
ओजोन वायु प्राणवायु उत्पन्न करती है, ये भी अपने लिए बहुत फायदा कर है। आध्यात्मिक शक्ति बताती है, आध्यात्मिक शक्ति के घर में तुलसी रखने से अपने घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। और विशेष तुलसी का जो पौधा है वो अपन किसान कोने में रखेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा होता है। और तो और अमावस्या कभी कभी सोमवार के दिन आती है, साल में एक या दो दिन आती है। इस अमावस्या के दिन अपन जो तुलसी का पौधे को घर में रख के दिया जला के 108 प्रदक्षिणा करते हैं तो अपनी जो दरिद्रता है, गरीबी, वो अवश्य दूर होती है। एक गरीबों के लिए, मतलब सबके लिए, लेकिन गरीबों के लिए तो रामबाण इलाज है। इससे अपनी दरिद्रता दूर होती है। इंसान की जब अंत्येष्टि होती है तब अपन तुलसी का दो पान मुख में रखते और इसके स्मशान में, मतलब लकड़ी जलाते हैं, इसमें एक छोटा सा पौधा रखेंगे लकड़ी का, लकड़ी थोड़ा सा, तो उसको फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता। गले में तुलसी की माला धारण करने से जीवन शक्ति, तेज शक्ति बढ़ती है और आकस्मिक मृत्यु नहीं होता है। ये तुलसी से अपना आकस्मिक मृत्यु नहीं होता है। इस प्रकार तुलसी का इतना फायदा है और ये विष्णु प्रिया करके अपन इसका संबोधन करते हैं। और विष्णु की जो, विष्णु जी को बहुत प्रिय है, अपना कोई भी प्रसाद बनाओ, कोई भी अपना वो सत्यनारायण भगवान की कोई भी कथा करो, इसमें पत्ता तुलसी का अपन डालते हैं तब ये सब प्रसाद बन जाता है। तुलसी अपने लिए माता का ही दरज्जा है समझो, इसीलिए तुलसी के ये 25 दिसंबर के दिन अपना जो युवाधन है, अपनी संस्कृति है, उसका जतन करने के लिए ये हमारा गुरुदेव ने ये 25 दिसंबर का पूरा विश्व भर में अभी लोग मना रहे तुलसी पूजन दिवस। और इसीलिए हम लोग आज हमने सुपर में प्रभात फेरी निकाला था कि सबको पैम्पलेट बांटते हैं हम लोग और प्रभात फेरी निकालते हैं और सबको जगाते हैं कि